हाय फ्रेंड्स, देखिए आज मैं एक यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ। आप सबको ये बहुत पसंद आएगा। अभी तो फेस्टिवल आ रहे हैं, मिठाई तो हमेशा अच्छे लगते हैं बड़े और बच्चे को। फेस्टिवल में तो ज़्यादा ही ज़रूरत रहते हैं, सभी बाहर से मंगाते हैं। तो घर पर बनाइए टेस्टी, और टेस्टी के साथ हेल्दी ये बहुत होता है, और बहुत कम इंग्रेडिएंट से ये बन के रेडी हो जाएगा, जो कि आपके किचन में भी सारा सामान आपको मिल जाएगा। तो एक पैन में देखिए मैं किस तरह बनाती हूँ। एक पैन में घी ले लिए हैं, 4-5 चम्मच लिए हैं घी, देसी घी। अगर आप देसी घी नहीं दे रहे हैं तो आप रिफाइंड ऑयल में बनाइएगा। मैं घी में बना रही हूँ, घी से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा मिठाई में। तो ये घी दे दिए, मेल्ट हो गया है। उसके बाद फिर देखिए सूजी ले लिए हैं, इसके मेजरिंग से तो इसको देखिए तो एक ही कटोरी से मेरे को सारा चीज़ देना है, माप इसका बराबर ही रखना है। तो एक कटोरी में सूजी ले लिए हैं, बारीक सूजी या मोटा सूजी कोई भी ले सकते हैं, और ये मिल्क पाउडर है तो सूजी से थोड़ा सा कम लिए हैं मिल्क पाउडर। और ये शुगर है, चीनी जो रहता है उसी का पाउडर बना लिए हैं, और वो कोकोनट बुरादा था। तो देखिए घी में डाल रहे हैं सूजी, पहले घी मेल्ट हो गया था उसमें सूजी डाल के इसको मीडियम फ्लेम पर चलाते रहना है, इसका कलर चेंज नहीं करना है। तो इस तरह से बनाइएगा तो ये स्वीट बहुत अच्छा बनेगा। तो इसका कलर थोड़ा सा भी चेंज नहीं किए हैं, इसको चला रहे हैं मीडियम फ्लेम पर, छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये ब्राउन होने लगेगा। तो याद रखिएगा पहले सूजी को रोस्ट करना है, ज़्यादा इसको रोस्ट नहीं करना है। उसके बाद ये कोकोनट बुरादा है वो डाल देती हूँ, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। कोकोनट का बर्फी ये बन के रेडी हो जाएगा, कोकोनट डालने से फ्लेवर इसका अच्छा रहता है। तो कोकोनट डाल के इसको चला लेती हूँ, उसके बाद फिर और जो भी है कटोरी में इसमें देने का वो भी फिर डाल देना है। तो देखिए कलर चेंज नहीं किए हैं कोकोनट डालने के बाद, क्योंकि कोकोनट डालिएगा तो वो भी फिर ब्राउन होने लगेगा, तो कलर अच्छा नहीं आएगा मिठाई का। और इसमें 2-3 चम्मच और घी डाल दिए हैं जब सूजी भुन गए हैं तो। और ये मिल्क पाउडर है, मिल्क पाउडर भी इसमें डाल देती हूँ, तो ये खोया का काम करेगा। जैसे आप खोया बनाकर मिठाई को रेडी करते हैं तो मिल्क पाउडर डालने से खोया, ये खोया का काम करेगा, तो बहुत अच्छा मिठाई बनेगा। तो मिल्क पाउडर आप बड़ा पैकेट नहीं मंगा सकते हैं, तो आप 10 रुपया के भी पैकेट मंगा सकते हैं कोई भी कंपनी के, सभी दुकानें में ये मिल जाते हैं। ये चीनी का पाउडर है, तो घर में ही चीनी का इसको पाउडर बना लिए थे, और ज़्यादा मीठा नहीं, टेस्ट अकॉर्डिंग मीठा डालेंगे, क्योंकि मिल्क पाउडर डाले हैं तो वो भी मीठा रहता है। और इसमें 1/2 कटोरी अभी पानी डाले हैं, उसी कटोरी से चीनी और कोकोनट सब डाल के मिक्स कर लिए थे, उसके बाद फिर इसमें पानी डाल दिए हैं। टोटल इसमें 1.5 कटोरी पानी डाले हैं, ज़्यादा पानी नहीं डाले हैं, इतना ये एब्जॉर्ब कर लेगा, ज़्यादा कम नहीं रहेगा, तो परफेक्ट है इसके लिए 1.5। तो देखिए ज़्यादा इसका बैटर ज़्यादा अभी पतला नहीं है, गाढ़ा ही हो गया। ये देखिए कढ़ाई एकदम छोड़ने लगा है, इसमें थोड़ा सा फूड कलर डाल देते हैं, तो ये ऑप्शनल है, आपको डालने का मन है तो आप डाल सकते हैं। अगर आपको वाइट कलर ही पसंद है तो वाइट कलर ही बना सकते हैं, तो थोड़ा ग्रीन हो जाता तो ये बहुत अच्छा लगेगा कोकोनट का बर्फी जो रहेगा। तो एक प्लेट में ग्रीस कर लिए थे घी से, और आपके पास जो अगर कोई ट्रे है तो उसमें भी आप ग्रीस करके इसको सेट करने के लिए रख दीजिएगा। तो घी से ग्रीस कर लिए थे, उसके ऊपर ये सारा बैटर को रख दिए हैं और इसको चिकने कर लिए हैं, और उसके ऊपर से चांदी वर्क ये लगा दिए हैं। तो इससे देखिए ये मिठाई कितना अच्छा 4 चांद लग गया, देखकर बहुत अच्छा लगता है। आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट भी ऊपर से डाल सकते हैं, तो मैं इसमें सिल्वर वर्क ही डाली हूँ, तो इससे बहुत अच्छा ये कलरफुल लग रहा है। रेडीमेड खाने में तो इतना टेस्टी है कि क्या बताएं। आप भी बनाइएगा तो कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि ये मिठाई आपको कैसा लगा, और फेस्टिवल में आप अभी बनाएंगे तो सभी घर वाले खुश हो जाएंगे, आपकी तारीफ़ करते करते थकेंगे नहीं, इतने तारीफ करेंगे। तो इसको देखिए बर्फी के आकार में मैं कट लगा दी, आपको जैसा मन है वैसा आकार दे सकते हैं आप, इसके आप लड्डू भी बना सकते हैं। तो देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। तो देखिए मैं फ्रिज में रख दी थी 1 घंटे के लिए, तो ये देखिए कितना अच्छा ड्राई एकदम दिख रहा है। और ये देखिए इसको अलग अलग पीस करके फिर मैं दिखाती हूँ, इसको बर्फी का आकार में दी हूँ, तो ये कितना अच्छा शेप लग रहा है ना, कलर भी बहुत अच्छा आया है, यमी। तो देखिए इसका
ज़्यादा पतला भी मैं नहीं रखी हूँ। देखिए कितनी अच्छी बर्फी बनकर रेडी हो गई है। थोड़ा सा भी देखिए प्लेट में नहीं लगा हुआ है, पूरे ड्राई है। तो आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आए होंगे, ये बड़े और बच्चे को सभी को पसंद आते हैं। मैं सारे पीस इसको अलग कर लेती हूँ और दूसरे प्लेट में सारे पीस को निकाल के रख देती हूँ। तो देखिए आप कितने आसानी से निकल रहे हैं, थोड़ा भी प्लेट में नहीं लग रहा है और ड्राई भी हो गया है, चिपक भी नहीं रहा है। तो कितना अच्छा ये बर्फी बनके रेडी, कम समय में कम इंग्रेडिएंट से बनके रेडी हो गया है, जो कि आपके किचन में अवेलेबल सारे इंग्रेडिएंट्स है। उससे आप ये एक कटोरी सूजी से आप, और थोड़ा सा मिल्क पाउडर ही था, सूजी से थोड़ा थोड़ा कम लिए थे सब, मिल्क पाउडर और चीनी का जो पाउडर था वो, और कोकोनट बुरादा। देखिए 1 किलो कम से कम बर्फी ये बन के रेडी हो गया है, 1 किलो से कम नहीं है। तो आप इतने कम इंग्रेडिएंट से 1 किलो बर्फी बना सकते हैं। तो देखिए ये कमाल की रेसिपी है ना, इतने कम इंग्रेडिएंट से 1 किलो बर्फी बन के रेडी हो गया है। आपके घर वाले सारे खुश हो जाएंगे और तारीफ़ करते थकेंगे नहीं। तो ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आया होगा, तो कमेंट करके बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर से कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।